बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की ओर से चल रही हड़ताल अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ गई है, जिसके चलते कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से उनकी मांगे ना मानी जाने के चलते हड़ताल को बढ़ाया गया है। जबकि लोगों का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बार बार अपने काम के लिए चक्कर लगा रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा। अरे भाई, चौथी पंजी बारी आई है बिल जमा कराने की, हड़ताल चले कर दी, उन्होंने जुर्माना पेगा तो कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का? जहाँ तो सरकार कोई इन्हों का हल करे, जहाँ साडा हल करे कि सारा बिल जुर्माना ना पवे सानू, जोड़ा माफ है वो माफ ही होना चाहिए जी। कराने आया बिजली बिल जमा नहीं हो रहा कि ना, जो कल जुर्माना पे तो कौन जिम्मेवार होगा? सारा कुछ बंद है, अभी बार बार आने पे हैं, ये कारण अभी की करिए फिर दसो तुम कि ना। अभी पांच छत वारी आ गए अभी अपना लोड बताने वास्ते आ रहे हैं, जिन्नी बारी आए उन्नी बार तार लगे, सूँ पता नहीं लगे कि कदों तक खुलना तो कदों तक बंद होनी है, तो साढ़े तो समस्या तो बड़ी हो रही है। घर गीजर लवाना है, सोचा पहले लोड कराइए, ओहदे बाद मैं गीजर लवाइए, तो कोई सुनता ही कख नहीं, कोई जिन्नी बारी आ उन्नी बारी तार लगता, ना कोई सूँ दसदा कि कदों खुलना। पहले अखबार च पढ़िया जी कि 26 तरीक तक है, तो अच्छ पता लगे पहली तक हो गया, हूँ पता लगता सर्दियों तो साढ़ी इतने निकल जानी है। कि मैं बिल जमा कराने आया सीगा, तो इतने हड़ताल चलती पई है, तो यह है कि पिछले महीने का भी बिल मेरा पेंडिंग सीगा, तो मैं कहते ही बिल माफ़ है, तो मैं जमा नहीं करवाया, तो मैं चलो करवा दें, तो वह हूँ मैं करवा आया तो हूँ अगले महीने का भी बिल आ गया ना, वह भी ऐड करके उन्होंने पाता बिच बिल, तो हूँ मैं इस करके जमा कराने आया कि चलो कराने के पैना ही है, मैं कराने आया तो इतने हड़ताल चलती पी है। हूँ मैं ये डर है कि इन्हें मीटर कट्टन घर वास्ते घर कि मीटर कट्टन ना आ जाए, यह हड़ताल से बैठे तो फिर बिल कौन जमा करेगा? ठीक नहीं, ना इन्ना भी पे करता तो मीटर कट्टन जो घर आ जाएंगे इन बंदे, तो फिर कौन जिम्मेदार? जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन च बिल जोड़ा है बहुत ज़्यादा शो हो रहा, तो इतने बिल च बिल घट है, तो असी वो जमा नहीं कर रहे ऑनलाइन, फिर हूँ अभी इधर खजल खराबी हो रही, कदम इधर जाने कदम उधर जाने, सब कुछ बंद है। मांग की करनी है, 3 तरीक तक लास्ट डेट है, जो 3 तक हड़ताल नहीं खुली तो इन्हें सू जुर्माना ही करा जुर्माना देना, अस थोड़े जिम्मेवार हैं। उधर पांच बारी आए इतना, कोई पिछले हफ्ते भी आए तब मैं कि मोड़ता गेट तो ही हाड़ी हड़ताल चलती पी तो फिर आया थोड़े सामने, फिर सर कि बोलते पे जी हड़ताल हैगी है, दोस्तों की करिए खर्चा की करी, घर दे बच्चे छोटे छोटे है साढ़े, खाना पे फिर कौन जिम्मेवार साढ़ा? असं गरीब लोगों ने की करना, फिर अब मीटर के चक्कर कटते रहेंगे, फिर हाड़े मीटर लवान आओ फिर कट्टा आ जाते हैं। दिनेश्वर सिंह मंडल प्रधान टैक्नीकल सर्विस यूनियन जॉइंट फॉर्म के फैसले मुताबिक जिदा कि 26 तक आप समूहिक छुट्टी भरी सी, मैनेजमेंट नाल 3 दिन लगातार मीटिंग होने के बावजूद भी कोई सिटा ना निकलिया, उन्होंने साड़िया मंगा नहीं मनिया, जिस कारण जोड़े साढ़े मुलायम बड़ा भारी रोष पाया जा रहा, ये जो भी सिटे निकल रहे हैं तो निकल के तुहाडे सामने आ रहे हैं, कई पिंड 4-4 दिन तो लाइट नहीं आई। देखो जी, सारे जोड़े साथी ने वो समूहिक छुट्टी दे है, और ये मुश्किल तो आनिया ही है, हो सकता अगले आने वाले 1-2 दिन पंजाब ब्लैकआउट भी हो जाए, उसकी जिम्मेवारी भी जी पावरकॉम तो पंजाब सरकार की है, असी पंजाब सरकार तो पावरकॉम की मैनेजमेंट एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि टेबल टॉक करके जी गल मुकाया जाए, जोड़े साथियों के बंदे पे बैंड का मसला उन्होंने हल किया जाए, पिछले 10 साल तो जोड़ा पे बैंड का साड़ा मुद्दा वो हूँ आप लैके ही उठ रहे हैं, क्योंकि जे आप संघर्ष दिता तो संघर्ष में आप जित तक जाएगा, साढ़े जॉइंट फॉर्म का जो फैसला होएगा सानू वो मंजूर होएगा। अज जॉइंट फॉर्म की जी कॉल आई है भी पहली तक 1 तरीक तक जरा साड़ी समूहिक छुट्टी होर भरी जाएगी, और 2 तरीक न CM चन्नी साहब की कोठी का घराओ करके उत्थे विशाल धरना दिता जाएगा। बस धन्यवाद सर। असी लगातार 15 तरीक तो लैके अज तक समूहिक छुट्टी दे जा रहे हैं, उधर लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिहड़ा कि बिजली बोर्ड वालों 2011 तो लैके साडा पे बैंड ड्यू है जिहड़ा कि पंजाब सरकार के मुलाजमान दे दिता गया सानू, वो जिहड़ा टालमटोल की नीति नाल लगातार ही अं मीटिंगां दे विच दौर दे विच चले हुए हैं, जिहड़ा मैनेजमेंट वालों भी ते पंजाब सरकार वालों भी हर वारी कहा जांदा है कि कोई 10 दिन का टाइम मंगदा है, कोई महीने का मंग लैंदे आ, कोई 2 महीने का मंग लैंदे आ, पूरे तह लारियां दे विच ही अज 1395 दिन हो गए ना एसी नूं लारे लपे जी लाने के बावजूद, जिहड़ा कि अजे तक बोर्ड की मैनेजमेंट है जी वो टस तो मस नहीं हो रही, मुलाजमान दे विच इस गल का भारी रोह आ, रोह के कारण अपने जिहड़ी हक्की मंगा जायज़ मंगा लैण की खातर कि जो पंजाब सरकार के मुलाजमान दे दिता गया तो बिजली बोर्ड के मुलाजमान देन लग्या की फर्क पैंदा, जो बिजली बोर्ड का ही यार दसदा इदारा भी 1400 करोड़ रुपये वध ही जा रहा, जो वध ही जाने के बावजूद भी
इन्हें तरह तरह पुराने बिल माफ़ किए जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा। तो जो बिजली बोर्ड के मुलाजम ने जो लगातार दिन रात एक करके ड्यूटियां कर रहे हैं, करोना टाइम के बिच भी अपनी जिंदगी अपने दाज उत्ते ला के तो इन बिजली की सप्लाई निर्विघन इन्हें चालू की है। तो उन्होंने जो पे बैंड 10 साल का पुराना अज तक मैनेजमेंट लगातार जीडिया मीटिंगा दे रही है 23 तारीख तो लैके हूँ तक वो लारे लप्पे ला रही है। कभी कहती पिछला बकाया नहीं देना, कभी कहती तो पे बैंड करंट दे दें, कभी कह लगे तो पुराने भी जिदा पंजाब सरकार के मुलाजम उन्होंने फिक्स कर दें। जो साड़िया कैटागरियाँ अलग है उन्हें नालों जो साढ़े कम अलग है उन्होंने नालों तो जो साढ़े स्केल पहला तो लैके लग चले आ रहे हैं अज उन्हें ना मिलान का मतलब की है। पिछले स्केल है जोड़े वो सू क्यों नहीं दिते जा रहे, वह बकाया ना देने दे की ऊंचाई आ रही है। यदा मतलब जान बुझ के सरकार वालों मुलाजमान जरा खलवाड़ किया जा रहा, मुलाजमान का उनकी रोजी रोटी खोई जा रही है, उनका हक है जरा खोया जा रहा, उनके जो बनता है मालिया जो बनता था एरियल वगैरह वो सारा खोन वाले पास में जा रही है। ये मुलाजमान जरा कभी भी सहन नहीं करेंगे ये तहत ही है जी अज की रैली अं करके। तो जे अजे भी अपनी सरकार ना झुकी तो जोड़ा सा नवा एक्शन है वो सानू मिल चुका और जानि कि 1 तरीक तक है जी अं समूह छुट्टी है जी उन्होंने वधा दिता गया है। तो उस तो बाद 2 तरीक है जरा चरणजीत चन्नी की कोठी का घराव किया जाएगा, घराव कर तो बाद नवे संघर्ष का उसे ही ऐलान कर दिया जाएगा। इन्ना कोई गल धन्यवाद। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।